आज की वीडियो का आगाज़ मैं एक कोटेशन के साथ करूँगी, वो ये है कि पेरेंट्स आर नॉट ऑलवेज राइट बट दे आर नॉट रॉन्ग एज वेल। पेरेंट्स होने के नाते हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि हम हमेशा अपने बच्चों को गलत रास्ते से रोकें, गलत कामों से रोकें, और जैसे वो गलत काम करने की के गलत ट्रैक पे चलना शुरू करें, हम उनको गाइड करके सही रास्ते पे चला दें। इन सारे प्रोसेसेस के थ्रू हम कोशिश तो ऐसा करते हैं, कई दफ़ा हम कामयाब भी हो जाते हैं, मगर एक बैरियर भी क्रिएट हो सकता है बच्चों के दरमियान और पेरेंट्स के दरमियान। आप खुद ये देखें कि जब बच्चा छोटा होता है, बच्चा हमारे पीछे पीछे आता है, हमें एक एक चीज़ बताता है, हम खुश होते हैं उसकी हर हरकत पे, खुश होते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होना शुरू होते हैं, बच्चे हमसे चीज़ें छुपाना शुरू करते हैं। वो क्यों छुपाना शुरू करते हैं? बच्चे भी वही हैं, माँ बाप भी वही हैं। ऐसा बैरियर क्यों डिवेलप होता है कि माँ बाप से बच्चे अपनी चीज़ें छुपाना शुरू करते हैं? बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। मैं एक एग्जांपल आपको कोट करती हूँ। एक बच्चा है, वो टीनेज में एंटर हुआ है, नया नया कॉलेज जाना शुरू हुआ है, और कॉलेज में एक दिन उसने बंक किया। घर आके उसने अपने पेरेंट्स को, अपने फादर को या मदर को बताया कि आज मैं अपने सारे फ्रेंड्स के साथ पार्क में चला गया, कॉलेज हमने अटेंड नहीं किया। अब आपको क्या लगता है कि उन पेरेंट्स का क्या रद्द अमल होगा? 99% पेरेंट्स गुस्से में आएंगे, डांटेंगे कि तुम्हें तो हम स्कूल में या कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजते हैं, तुम कॉलेज बंक करना शुरू हो गए हो, तुम्हारे हम कॉलेज के टीचर्स को कंप्लेंट करेंगे, ये क्या कैसा कॉलेज है कि उन्होंने चेक इन बैलेंस ही नहीं रखा, कैसे तुम्हारे दोस्तों की कंपनी है, वो तुम्हें किन गलत कामों की तरफ लगा के रख रहे हैं। एकदम बच्चा मायूस होकर बैठ जाएगा। हम ये समझ रहे होंगे कि हमने बच्चे को डांट दी है, बच्चा आइंदा वो गलत काम नहीं करेगा, बच्चा कॉलेज बंक नहीं करेगा। हो सकता है बच्चा ना बंक करे, उसको अपने पेरेंट्स की बात भी समझ आ गई हो, वो उसको डांट का भी असर हो गया हो, लेकिन बहुत से बच्चे उस ज़िद में रहते हैं, वो काम ज़रूर करते हैं। अगली दफ़ा उनकी कोशिश क्या होती है कि पेरेंट्स तक वो बात ना पहुंचे, पेरेंट्स को ये बात, ये नॉलेज ना पहुंचे। यहीं पे बच्चे अपनी बातें छुपाना शुरू करते हैं, वो इस चीज़ से घबराते हैं कि घर वालों ने तो मुझे डांटना है, घर वालों ने मुझे डीमोटिवेट करना है, घर वालों ने मुझे हर काम से रोकना है। मैं करूँगा ज़रूर वो काम, मगर मैं अब ये कोशिश करूँगा कि घर वालों तक वो बात ना पहुंचे। और इधर ये एक वॉल क्रिएट हो जाती है घर वालों के दरमियान और बच्चों के दरमियान। इधर ही बच्चे अपनी सीक्रेट लाइफ डेवलप कर लेते हैं, मोबाइल फ़ोन्स में घुस जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ सीक्रेट टॉक स्टार्ट कर देते हैं, और वो इस बात से घबराना शुरू करते हैं कि हमारे पेरेंट्स तक ये बात ना पहुंचे, वरना एक हंगामा क्रिएट हो जाएगा। हमने एक तरीके से रोकना था, वो हमने रोक लिया, मगर क्या होता अगर हम उन बच्चों को एक फैक्ट के थ्रू, एक जस्टिफिकेशन के थ्रू उनको ये बात समझाते कि ठीक है, कॉलेज बंक नहीं करना चाहिए था तुम्हें, आइंदा कोशिश करना कि कॉलेज मत बंक करो, मगर ये प्लान वीकेंड्स के ऊपर रखो। अगर तुम मूवी देखने गए हो कॉलेज बंक करके, तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीकेंड के ऊपर ये प्लान बनाओ। इस तरीके से क्या होता है कि बच्चे आप तक एक बात भी कम्युनिकेट करते हैं, उनको पता भी होता है कि हमारे पेरेंट्स को हमारी एक एक बात पता है, हम पेरेंट्स हमारे फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स हमारे गाइडर्स हैं। आजकल ऐसा क्यों हो रहा है कि स्कूल के बच्चों के लिए काउंसलर्स हायर किए हुए हैं? क्यों ऐसा है कि काउंसलर हर स्कूल के लिए मैंडेटरी साबित हो गया? वो क्यों? क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ अब के बच्चे डिस्कशन नहीं करते हैं कि पेरेंट्स हमें हर बात से रोकेंगे, पेरेंट्स हमें हर बात पे डांटेंगे। काउंसलर्स क्या करते हैं? काउंसलर्स आपकी सिर्फ बच्चों की बातें सुनते हैं, उनको काउंसल करते हैं। लेकिन हम क्यों अपने बच्चों के काउंसलर नहीं बन सकते? हमें क्या प्रॉब्लम है कि हम अपने बच्चों के काउंसलर, हम अपने बच्चों के गाइडर्स क्यों नहीं बन सकते, हम अपने बच्चों के फ्रेंड्स क्यों नहीं बन सकते? हम अगर बनेंगे तो हमारे बच्चे हम पर ट्रस्ट करेंगे, हमसे अपनी बातें शेयर करेंगे, हमें अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो पेरेंट्स हमेशा गलत नहीं होते, मगर कहीं कहीं पे उनका तरीका रोकने का गलत हो जाता है, और इस रोकने के तरीके की वजह से बच्चे हमसे दूर हो जाते हैं। बच्चों के ऊपर अपनी चॉइसेस मत थोपें। अगर आपका बच्चा एक चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो उसको ज़बरदस्ती उस चीज़ के ऊपर फोर्स मत करें।
लेट्स सपोज अगर आपका बच्चा साइंस सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं लेता और आपकी मर्जी है कि वो हर हाल में डॉक्टर बने, तो मत उसको फोर्स करें। ऐसे डॉक्टर बनने का या ऐसे इंजीनियर बनने का क्या फ़ायदा है जब आपके बच्चे का उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। वो कभी एक्सेल नहीं कर सकेगा क्योंकि उसकी चॉइस नहीं थी साइंस सब्जेक्ट्स में। वो चाहता था कि मैं आर्ट्स सब्जेक्ट में आगे एक्सेल करूं। अपने बच्चों को मत टोकें, अपने बच्चों को मत रोकें अगर आपका बच्चा उस ट्रैक पर चल रहा है जो उस बच्चे के लिए नुकसानदेह नहीं है। और अगर वो गलत ट्रैक पर चल रहा है तो उसको रोकने का एक ऐसा तरीका अपनाएं जिस तरीके से आपका बच्चा भी आपसे दूर ना हो और उसे उस गलत ट्रैक के सर्कमस्टांसिस भी पता चल जाएं, उसे उस ट्रैक के नुकसानात भी पता चल जाएं। अगर आप हर वक्त बच्चों को रोकेंगे, हर वक्त बच्चों को टोकेंगे, तो आपका बच्चा आपसे दूर हो जाएगा। वो वही काम करेगा जिसमें उसका इंटरेस्ट है मगर आपकी नॉलेज के बगैर करेगा। आपका बच्चा अगर बड़ा हो गया है, बालिग हो गया है, वो कहीं और शादी करना चाहता है और आप अगर उसको वहाँ पे शादी नहीं करने देना चाहते हैं तो, और अगर आप किसी और जगह पे उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा देते हैं, तो इससे क्या होगा, आपका बच्चा खुश नहीं रह सकेगा। उसका दिल वहीं पे होगा जहाँ पे वो शादी करना चाहता था, लेकिन आपके फोर्स करने के ऊपर, आपका भरम रखने के लिए वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक शादी तो ज़रूर कर लेगा लेकिन वो खुश नहीं रह सकेगा। तो हम पेरेंट्स होने के नाते गलत नहीं होते हैं, मगर हमारा रोकने का, हमारा पॉइंट आउट करने का तरीका गलत हो सकता है। अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाएं, मगर दोस्ती इस लेवल की होनी चाहिए कि उसमें आपकी फ्रैंकनेस ना हो, एक भरम हो, एक वॉल हो जो आपके बच्चों में और आपके दरमियान हो। ऐसी वॉल जिससे आपके बच्चे उन लिमिट्स को क्रॉस ना कर सकें, ऐसी वॉल जिसमें आप उस गलती में या उस पाथ में उन बच्चों का साथ मत दें मगर उनको साथ साथ गाइड करते रहें। अगर आप उनका साथ दे देंगे तो उनमें और आप में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, आपका रोब नहीं रहेगा। रोब भी रखें, फ्रेंड भी बने, काउंसलर भी बने, और ऐसा घर का माहौल रखें कि आपके बच्चे को बाहर के लोगों की ज़रूरत ना रहे, उसको जब प्रॉब्लम हो वो घर में आके अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।